जायके की खुशबू में आपका इस्तकबाल करती हूँ। मैं जीना शेख, आप सबको रमजान शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक सहरी स्पेशल रेसिपी। जी हाँ, सेवइयों की खीर, जो बहुत ही हेल्दी डेजर्ट है और आप सहरी में इसे आराम से खा सकते हैं। तो आइए देखते हैं रेसिपी। लेकिन वीडियो को देखने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेवइयों की खीर बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है 150 ग्राम, थोड़ी ये मोटी सेवई है, एकदम महीन सेवई नहीं है। मैंने यहाँ बॉम्बिनो की पैकेट वाली सेवई यूज की है, 150 ग्राम। उसके लिए 1 लीटर दूध मैंने लिया है फुल क्रीम, 1 कटोरी घी है जिसे मैं 1 टेबलस्पून के हिसाब से यूज करूंगी, जितने टेबलस्पून मुझे चाहिए रहेंगे। ये कूटी हुई हरी इलायची है, ये आलमंड्स हैं कतरे हुए, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, किशमिश, काजू और छुहारे, जिन्हें मैं तलूंगी। सबसे पहले हमें ड्राई फ्रूट्स को तलना है, जिसके लिए मैं डालूंगी 4 टेबलस्पून देसी घी, 1 हो गया है तो हम डालेंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और इसे थोड़ा तल लेंगे। ब्राउन होने तक हमें इन्हें तलना है, तो ये अब धीरे धीरे ब्राउन हो रहे हैं। जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और ड्राई फ्रूट्स को मैं एक प्लेट में निकाल ले रही हूं। ये अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं, ड्राई फ्रूट से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। तो अब हम डालेंगे सेवई, घी में अब हम डाल रहे हैं सेवई क्योंकि हमें इसे तलना है, और अब हम तल रहे हैं सेवइयों को। ब्राउन होने तक इन्हें भी हमें तलना है, जब तक ये अच्छी तरह से ब्राउन नहीं हो जाते तो हम इन्हें तल रहे हैं। अब हमारी सेवइयां जैसा कि आप देख रहे हैं ब्राउन हो चुकी हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध डालने के बाद 5 से 7 मिनट तक हमें इन सेवइयों को पकाना है मीडियम आंच पर। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, सेवइयां हमारी पकनी शुरू हो गई है। हम बीच बीच में कभी कभी इसे स्टर करते रहेंगे। 5 मिनट हो गए हैं दोस्तों, तो अब वक्त आ गया है कि हम इसमें कतरे हुए बादाम डाल दें। हमने डाल दिए कतरे हुए बादाम और उसके बाद 5 मिनट तक और हम इसे पकाएंगे। सेवइयों को हमने 5 मिनट के लिए और पकने के लिए रख दिया था, लेकिन इसी बीच में हम डालेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर हमने डाल दिया है और मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूं इलायची पाउडर को सेवइयों में, और उसके बाद हम डालेंगे ये हमारे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट, और थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए मैं रख रही हूं। तो ड्राई फ्रूट्स भी हमने डाल दिए, 3 मिनट हमें और पकाना है सेवइयों को। इस स्टेज पर हमें डालनी है चीनी, लेकिन मैं चीनी नहीं डाल रही हूं क्योंकि चीनी हेल्थ के लिए आजकल बहुत हार्मफुल है, तो मैं चीनी के बदले शुगर फ्री यूज करूंगी। अगर आप चीनी डालना चाहते हैं तो 1 कप चीनी, या अकॉर्डिंग टू अपने टेस्ट आप चीनी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 10 ड्रॉप शुगर फ्री डाल रही हूं। तकरीबन सारे इंग्रेडिएंट्स हमने डाल दिए हैं, अब 2 मिनट के बाद हम इसे डिश आउट करेंगे।
दो मिनट ये और पकेगा, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे, सर्व करेंगे। दोस्तों हम ये सेवई की खीर सहरी के लिए बना रहे हैं, तो हम इसे थोड़ा गीला ही बंद कर देंगे क्योंकि ये वक्त के साथ गाढ़ी हो जाती है। अगर आपको इंस्टेंटली खाना है, फौरन खाना है, तो आप अपने हिसाब से इसे गाढ़ी भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारा सहरी स्पेशल है तो हम इसे थोड़ा गीला ही बंद कर देंगे। दूध हमारा काफी गाढ़ा हो गया है और खीर हमारी रेडी है, और क्योंकि हमें सहरी में खानी है तो हम इसे इसी तरह छोड़ देंगे। अब हम सेवइयों की खीर को कर रहे हैं डिश आउट। अब हमारी सहरी स्पेशल डेजर्ट सेवइयों की खीर सर्व होने के लिए है बिल्कुल तैयार। तो दोस्तों आप ये सेवइयों की खीर जरूर बनाइए और स्पेशली सहरी में खाइए, ये बहुत हेल्दी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपने अपना कीमती वक्त निकालकर मेरा वीडियो देखा, इसके लिए तहे दिल से मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय।